श्रीनगर स्मार्ट सिटी में अभी हम मौजूद हैं और श्रीनगर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बसेस को लाया गया है। आपको बताएं कि 100 के करीब स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बसेस लाए गए हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी हैं। आपको बताएं ऐसी 75 ऐसी बसेस है जो 9 मीटर की है और 25 ऐसी बस है जो 12 मीटर की है। 75 ऐसी बसेस जो श्रीनगर के अंदर जो हंगर रूट से वहाँ पे चल सकती है और 25 ऐसी बसेस है जो श्रीनगर के बाहर जो रूट से उन पे चल सकती है और अभी भी ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी में ये बसेस चल रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी में अगर आप आए हैं तो आप इन बसेस को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, आप इनमें कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? आप एक ऐप CHALO ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि चालू ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इस बस को ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आप इस बस में जो है ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बाज़ाब्ता तौर ये भी है कि रेट कार्ड भी सामने आया है। अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपने 10 रुपये भरने हैं, अगर आप 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको 15 रुपये भरने हैं और अगर आप 5 से लेकर 10 किलोमीटर आप निकालते हैं तो आपको 20 रुपये भरने हैं, अगर आप 10 से 15 तो 25 रुपये आपने भरने हैं, 15 से 20 तो 30 रुपये और 20 से 25 तो 35 रुपये आपने भरने हैं, 25 से 30 किलोमीटर आप निकालते हैं तो 40 रुपये आपको भरने हैं। आपको बताएं इस स्मार्ट बस में वाईफाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए बाज़ाब्ता तौर व्हील चेयर इसमें रखी गई है। तो कुल मिला के कुछ माह पहले हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी और इसके फीचर्स हमने आपको दिखाए थे कि स्मार्ट सिटी में कैसे जो ई बस है, स्मार्ट बस है, ये चल सकती है और इसमें बाज़ाब्ता तौर रूट्स दिए गए, इन रूट्स पे ये चल सकती है। तो आप इस बस को ट्रेस कर सकते हैं, आप चालू ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेस कर सकते हैं कहाँ पे गाड़ी आपको मिलेगी, कहाँ आपको जाना है, वो बाज़ाब्ता तौर इस ऐप में आप देख सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में इन बसेस को लाया गया है। आपको बताएं कुछ माह पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि 200 बसेस जम्मू कश्मीर को दी जाएगी, 100 बसेस जम्मू प्रोविंस जम्मू स्मार्ट सिटी को और 100 बसेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी को दी जाएगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी में अब ये बसेस बाज़ाब्ता तौर रूट्स पे चल रही है, लेकिन अब लोगों से गुजारिश की गई है आप टिकट के बगैर इसमें ट्रैवल ना करें। अगर आप टिकट के बगैर इसमें ट्रैवल करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में वो मुश्किलात बन सकती है। अगर आप टिकट ले सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे तो दिन ब दिन इसमें अच्छाई और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होगा। तो कुल मिला के चालू आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद स्मार्ट बस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पे ये बस है, कहाँ पे आपने जो रिसीविंग पॉइंट है या ड्रॉप पॉइंट जो है वो कहाँ पे, वो बाज़ाब्ता तौर आप इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।